नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि खेतों के लिए, अच्छी पैदावार के लिए कौन कौन सी दवाई हमें खेतों में डालनी चाहिए। जो किसान भाई गन्ने की फसल लेते हैं उनके लिए हम कौन सी दवाई प्रयोग करें, यह आपको हम बताएंगे। ये देखिए, अगर गन्ने पर हमारा अर्ली सूट बोरर है और गन्ने में हमारी पैदावार अच्छी नहीं निकलनी, तो आप ऐसा कौन सी दवाई इस्तेमाल करेंगे ये हम बताएंगे। सबसे पहले तो आप 1 एकड़ में NPK 1 किलो, उसमें 500 ml क्लोरोसाइपर वो कोई सी भी कंपनी की हो सकती है। और तीसरा, हमें फंजीसाइड दवाई भी उपयोग करनी है, जैसे कि आप थायफोनेट मिथाइल भी कर सकते हैं, M45 पावस्टीन दोनों मिलाकर भी कर सकते हैं। ये थायफोनेट मिथाइल 250 ग्राम, ये कुल मिलाकर जो डोज हुई है, एक एकड़ की डोज हुई है, और तीनों को हम एक जगह पर मिश्रण करके स्प्रे छिड़काव करें गन्ने पर। लगभग 30 लीटर पानी हमें एक बीघे पर डालना आवश्यक है। 5 बीघे में उसी रेशो में आप स्प्रे करें और NPK का 15-15 दिन बाद 3 स्प्रे करना आवश्यक है, जिससे हमारे पौधे को NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों बराबर मात्रा में मिलता रहे और आपकी पैदावार गन्ने की अच्छी पैदावार होगी। ये देखिए, यहाँ पर सभी गन्ने का जो खेत लगा हुआ है फिलहाल, यहाँ पर बहुत अच्छा गन्ना आपको दिखाई दे रहा है। क्लोरोसाइपर, NPK और थाइफोनेट मिथाइल जो फंजीसाइड है, आप थाइफोनेट की जगह पर M45 बावस्टीन भी कर सकते हैं, लेकिन गन्ने के लिए बेहतर रहेगा थाइफोनेट मिथाइल। आप गन्ने में छिड़काव करें और अच्छी पैदावार लें। धन्यवाद।